आज हम इसी सीरीज को आगे चलाते हैं और ये 2 या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपसे त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछेंगे उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज हम लगाने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको लगाएंगे एग्जाम से पहले तो आपके लिए काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिए। ये 2 या 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्रश्न फर्स्ट है आपका और इसमें दिया हुआ है सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि ये दिया हुआ है आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a cot स्क्वायर a, और ये आपको देख करना है 10 स्क्वायर a, ये इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है, ठीक है, तो इसको आप करके जाइएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ठीक हो गया। अब LHS को लेके चलते हैं, LHS क्योंकि ये बड़ा टर्म है, एक बड़ा पद है, तो बड़े पद को हम छोटे पद में इजिली हम क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बड़ा पद जो है आपका LHS इसको लेके चलते हैं और RHS हम इसको प्रूव करते हैं किस टाइप से ये आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए आप, ये हो जाएगा LHS लेने पर, LHS तो LHS जब आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक हो गया बच्चों, ये होता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे इसकी ये कुछ नहीं है आपको, क्योंकि हम जानते हैं सब समीकरण है, कौन से सब समीकरण है, तो आप जानते होंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a इज इक्वल होता है आपका sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a, ठीक हो गया बच्चों। सेम आपका 1 प्लस cot स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, तथा ये भी आपका क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a ये आपका रहता है cosec स्क्वायर a के, ठीक है। ये आपकी सब समीकरण है जो आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, ठीक हो गया। अब इनको यहाँ पर हम देखते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a को रिप्लेस करके पहले हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको हटा के हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं sec स्क्वायर a से, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक हो गया। तो 1 प्लस cot स्क्वायर a को रिप्लेस करेंगे तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, ठीक हो गया बच्चों। अब आप जानते हो कि sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a का भी एक फार्मूला रहता है, क्या होता है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि sec a को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 अपॉन cos a, ठीक हो गया। cosec a को भी हम क्या लिख सकते हैं, तथा cosec a, तो cosec a इज इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन sin a, क्या होता है 1 अपॉन sin a, आप जानते होंगे, ठीक है, ये फार्मूले भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे ही सेम काम करते हैं, चूंकि अब यहाँ पर देखो sec स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगेगा, ठीक हो गया। तो अब इसको रिप्लेस करते हैं, sec स्क्वायर a को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a से, एंड cosec स्क्वायर a को रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a से, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, इसको हटाया हमने, रिप्लेस किया 1 अपॉन cos स्क्वायर a से, डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर a को जब आप रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं दिस इज 1 अपॉन sin स्क्वायर a, ये तो हो जाएगा आपका, ठीक हो गया, इसको आप कर सकते हैं।
अब यह है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यह है वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता है नीचे वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो टर्म होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज वन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई वन, बिकॉज ये नीचे वन आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक हो गया, ये आपका निकल के आएगा। अच्छा अब आप जानते होंगे साइन अपॉन कॉस एक फार्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू होता है टेन ए। क्या होता है बच्चों, टेन ए यही होता है। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप का है, बट यहाँ स्क्वायर है दोनों की जगह, है ना। तो कोई नहीं, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके फार्मूला ही होता है साइन अपॉन कॉस टेन के होता है। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये जो आइडेंटिटी बनेगी वो भी स्क्वायर के पद में निकल के आएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज टेन स्क्वायर ए। ठीक हो गया बच्चों, तो आपको देखिए यह एलएचसी था आपका, हमें टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना था, तो ये टेन स्क्वायर ए आ गया है, दिस इज आरएचएस ए, यहाँ पर इसका सोल्यूशन हुआ। तो आई होप इसको आप बहुत इजी लगा पाएंगे। इसमें आपको जो आपके सरल समीकरण है इनको ध्यान में रखना है, ठीक है, बाकी आपको इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, इस चीज के लिए तो आपकी वो कमियां दूर की जाएंगी। ठीक है, ओके, फिर ये क्वेश्चन तो हो गया है, दूसरे क्वेश्चन की ओर से हम चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, जो दो या तीन मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी देखते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम से पहले आप इनको जरूर लगाइएगा, आपको बहुत ज्यादा इनसे हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यदि यदि टेन ए इज इक्वल टू फोर बाय थ्री, चार बटे तीन, तो आपको बताना है, तो साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2016 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाने वाले हैं। ठीक है, सोल्यूशन पे आइए, तो सोल्यूशन देखते हैं, आपको दिया गया है टेन ए, क्या दिया हुआ है बच्चों, टेन ए, तो टेन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है चार बट्टे तीन, ये दिया हुआ है चार बट्टे आपका तीन। ठीक है, अब चूंकि ये अनुपात है, क्या है बच्चों, अनुपात, तो अनुपात आप जानते हो कि अनुपात में जो भी चीजें हमें दी होती है वो पूर्णता नहीं होती है, इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि ये जो डिजिट होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल करके लिखे होते हैं, क्योंकि अब ये आगे इनको और ज्यादा हम भाग नहीं दे सकते, तो ये जो संख्याएं होती हैं क्या होती है, पूर्ण नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आपको पता है वैसे tan a जो होता है वो होता है क्या, बेसिकली आपका लंब बटे आधार होता है, ये होता है ना लंब बटे आधार। तो एक हम इसके लिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि आपको जानते हो कि त्रिकोणमिति चैप्टर में हम जो भी काम करते हैं वो एक समकोण त्रिभुज के लिए काम किया जाता है, पता होगा इस चीज के लिए कि जो भी हम काम करेंगे वो एक समकोण त्रिभुज के लिए काम करेंगे इसके लिए, है ना। तो अब चूंकि हमें a दिया हुआ है, तो बच्चों ये बताया था कि a जो होगा तो a को सबसे पहले आप दिखा दो 90 के सामने, ये हो जाए 90 अंश का कोण, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, है ना, क्योंकि एक कोण 90 अंश का हो गया इसके अंतर्गत। तो a जो है a को आप दिखाइए जस्ट 90 के सामने, तो ये हो जाएगा a के सापेक्ष का माप करोगे, है ना, a के
सापेक्ष आप जो भी काम करोगे ए के सापेक्ष काम करोगे इसमें, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है चार तीन, तो लंब हो जाएगा आपका चार, लंब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा चार, ठीक है। और आधार कितना हो जाएगा आपका तीन, तो ये हो जाएगा आधार, आप जानते हो ये आधार होगा और ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये आपका क्या होता है कर्ण होता है, बताइए बच्चों ये है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनको हम नाम भी देते हैं ए है तो इसको बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर तीन दिया हुआ है, यहाँ पर ये चार दिया हुआ है, ठीक है, तीन चार। तो आप अब चूंकि ये जो होता है अनुपात आपको पता है कि ये पूर्णता नंबर नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई आपको कॉन्स्टेंट लगाया जाता है। जैसे अगर हम इसको समझाएं तो जैसे चार बट्टे तीन है, इसको ये ऐसा भी तो हो सकता था कि आठ बट्टे छह भी हो सकता था लिखा हुआ, क्यों हो सकता था, क्यों हो सकता था, क्योंकि आप इसको दो से कैंसिल करेंगे, दो चौक आठ और दो तीन छह ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, तब भी चार बट्टे तीन आ रहा है। अब ये ऐसा ना हो कि ऐसा भी हो सकता था कि ये हो जाए आपका कितना, ये हो जाए आपका तीन यानी कि बारह बट्टे नाइन, है ना, बारह बट्टे नौ हो जाए, तब भी आपका ये निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, तीन चौक बारह और तीन तीन नौ, तो ये हो जाए चार बट्टे तीन, तब भी आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये जो डिजिट है ये पूर्णता नहीं होती, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके पीछे कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट यानी के लगा दिया, तो यहाँ पर भी हम के लगाएंगे। के का मतलब क्या होगा कि के एक अननोन नंबर होगा, कि जो स्टार्टिंग में ये नंबर रहा होगा ना उसके साथ में अगर के को हम लग देते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये जो के होगा के क्या रहा होगा, इसका प्रारंभिक नंबर रहा होगा, प्रारंभिक नंबर, ठीक है ना। अब के एक ऐसा नंबर है जो आप जानते हो कि इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट, स्टार्टिंग वाला आप कह सकते हो बारह हो सकता है, है ना, टोटल मिलाकर काम करोगे तो बारह भी हो सकता है, और ये आपका उस केस में जो थ्री होगा वो कितना हो जाएगा आपका नाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे के को लगा देते हैं कॉन्स्टेंट के रूप में, ठीक है, और उसका कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तब भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो चार के बट्टे तीन के हो जाएगा और के से के ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको देखने में मिल जाएगा चार बट्टे तीन, आपका वही रिजल्ट फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो के क्या है, के कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है, जो कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है, बस उसको इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि चार बट्टे तीन खुद में एक अनुपात है। तो अनुपात क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो किसी को कैंसिल करने के पश्चात हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो के इसीलिए यहाँ पर इसको यूज किया गया और के का कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो के पे इतना कोई ज्यादा वो नहीं है, अगर आप के नहीं भी लगाते हो तो के लगाने से भी कोई भी उस पर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपका आंसर जो आएगा वो आंसर वही आएगा, ठीक है, अगर आप के को यूज नहीं भी करोगे फिर भी, ठीक है, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो आइए आप काम करते हैं। अब आपको पता है कि ये क्या है, एक समकोणी त्रिभुज है ए बी सी। अब समकोणी त्रिभुज है तो समकोणी त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या करती है, फॉलो करती है, अप्लाई करती है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, कर्ण, कि भाई आपको लंब दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, तो उन दोनों की सहायता से हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो एबीसी में जब आप काम करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा आपका, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आधार हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एसी, एसी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका लंब कितना हो जाएगा, लंब होगा आपका बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, और प्लस आधार आपका हो जाएगा एबी का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब हम काम कर लेते हैं कि जो बीसी दिया हुआ है आपको, बीसी कितना दिया हुआ है, अच्छा आप देखेंगे तो बीसी कितना दे रखा है, बीसी फोर के दिया हुआ है, तो फोर के का क्या हो जाए स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ए बी आपका थ्री के, क्या हो जाएगा थ्री के का इट्स स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब इसको हम आगे देखते हैं,
अब एसी का स्क्वायर, तो ये आपको कुछ देखने को मिलेगा, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4k, तो 4k का स्क्वायर क्या होगा, 4 का हो जाएगा 16, 4 चौक 16 और k का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस ये प्लस का साइन सेम रहेगा ऐसे ही, और ये हो जाएगा 3k, तो 3 इज 9, 9k का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, 16 और 9, आपको पता है कि k स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा 16 प्लस 9 और ये आपका k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आप इसको कॉमन ले सकते हैं k स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा हमें 16 9 25 k का स्क्वायर, और आप जानते हो किसके इक्वल है, ac के स्क्वायर के इक्वल है, तो आप अगर ac निकालते हो तो इधर इस साइड में आ जाएगा आपका ये रूट, और ये रूट अगर आता है तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं k गुणा k, ऐसा लिखा जा सकता है इसको इजली, है ना। तो आप पता है रूट जब आ जाता है तो उसमें हम क्या बनाते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बनाते हैं ना, तो यहाँ का आपका 5 आएगा ये, और इस साइड में आपका k बचेगा, तो यानी कि हमारा जो कर्ण है AC उसका मान आपका 5k निकल के आएगा, ठीक है बच्चों, क्या आएगा 5k, ये तो निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, ये पाइथागोरस प्रमेय में से है जो कि आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि साइन ए और कॉस ए, इसका मान हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको हम निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इसको हम करते रहते हैं अब, क्योंकि हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, तो उसको देखिए किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा हुआ है चूंकि इस क्वेश्चन में साइन ए, क्या पूछा हुआ है, साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए होता क्या है रियल में, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि एल बट्टे के, तो लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा एल, आप फार्मूले ही पता ही होगा कि कैसे आ रखा है, तो आपको पता होगा लाल बट्टे कक्का, है ना, इससे आप इसको इजिली याद कर सकते हैं कि लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है, ए बट्टे के कॉस थीटा होता है, एल बट्टे ए टेन थीटा हो जाएगा आपका, और सेकंड फिर आपका थर्ड आएगा कौन सा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, फिर सेक थीटा होगा के बट्टे आधार यानी कर्ण बट्टे आधार, फिर कॉसिक थीटा जो होता है वो के बट्टे लंब हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए आगे, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होगा, लंब आपको दे रखा है 4 के यहाँ पर, तो ये 4 के आ जाएगा, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण आपको दे रखा है 5 के, तो 5 के आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा आपका, तो साइन ए, साइन ए, अब ए मेन भूमिका एक ही रहती है, तो ए आप क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आधार यही रहेगा, लंब ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो साइन ए बराबर आ जाएगा 4/5, तो एक तो ये हो जाएगा इसका, ठीक हो गया, 4/5 आ गया आंसर। सेम काम किसके लिए करेंगे, कॉस के लिए काम कर लेंगे, इसी प्रकार कॉस के लिए काम कीजिए, इसी प्रकार कॉस ए के लिए, तो कॉस ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार होगा 3k, तो ये हो जाएगा 3k, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा बेटा, 5k, तो 5k, k से k ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos a बराबर 3/5, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आप 3 मार्क्स में क्वेश्चन या 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वैसे 3 मार्क्स में ज्यादा चांस नहीं है इस क्वेश्चन के, तो tan इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो पूछ रखा है कि साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसको आप इजिली बना सकते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार मतलब आया हुआ है, तो इसको भी आप बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पीछे लगा चुके हैं, ठीक है, इसको सेम वैसे हम करने वाले हैं, ठीक है, तो आइए इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं कि सोल्यूशन किस टाइप से आप करेंगे। आपको इसमें दिया हुआ है कॉस थीटा 12/13, ठीक हो गया। अब आप जानते हो कि कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, आपको भली भांति आप परिचित होंगे इससे, तो क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक हो गया। हमें निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, कॉट थीटा हमें निकालना हुआ, कॉट ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, इसका मान आपसे पूछा गया है, ठीक हो गया, तो हम इसका मान निकाल के दिखाने वाले हुए, ठीक। हमने काम क्या करना है, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण,
ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आप फिर से एक क्या बनाएंगे, समकोणी त्रिभुज बनाइए और एक समकोणी त्रिभुज के हेल्प से काम कीजिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, तो हम ये जो थीटा दिया हुआ है इस थीटा को हमेशा 90 के सामने वाला, आपको पता है कि हमेशा 90 के सामने वाला जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका थीटा कहलाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं, सपोज़ ये है थीटा आपका, क्या है थीटा, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी एंड ये सी, ये हो गया ए बी सी जो कि एक समकोणी त्रिभुज है, ठीक है। आपको पता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा आपका 12, आधार हो जाएगा आपका 12 और लंब कितना हो जाएगा, सॉरी कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण है यहाँ पर, तो कर्ण हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 आपका। अब आप जानते हो क्योंकि ये कर्ण है आपका, इससे भली भांति परिचित आप, और ये आधार है और ये आपका क्या हो जाएगा इधर, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या चीज़ पता नहीं है, पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये हमें इसमें लंब पता नहीं है, या हम कह सकते हैं बी सी को हमें निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि एक समकोणी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके अगर कोई दो भुजाएं हमें दे रखी हैं, जैसे आधार और कर्ण अगर दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका लंब को निकाला जा सकता है कि उसका लंब क्या होगा। तो देख लेते हैं कि लंब इसका कितना निकल के आएगा, ठीक है। समकोणी त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, अगर बात की जाती 13 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले हम इसको लिख देते हैं, अच्छा कर्ण ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, लंब आपका दिया हुआ है बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, और आधार आपका दिया हुआ है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। ए सी कितना दिया हुआ है आपको, 13, यहाँ पर रख दीजिए 13 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका बी सी, तो बी सी आपको निकालना है, चूँकि ये लंब है आपका, तो बी सी ए रहेगा, बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए बी, तो ए बी क्या है आपका, 12 दिया हुआ है, ए बी हमें कितना दिया हुआ है 12, वो आप यहाँ से देख लेंगे, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम करते क्या हैं, इसको ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 13 का स्क्वायर जो होता है, 13 का स्क्वायर मतलब 169, ठीक हो गया, बराबर हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक हो गया। अब 169 यही रहेगा, 144 को आप इस साइड में लाएंगे, माइनस का 144 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप जब घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा आपका, और ये 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो आपको 25 बच के आएगा, है ना। तो बी सी का स्क्वायर, या करके हम इसको लिख सकते हैं, या बी सी का स्क्वायर बराबर 25, ठीक हो गया यहाँ तक। अब या इसमें हम काम कर लेते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा √25, और √25 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ 5 × 5, एंड यहाँ से इसका जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से कितना 5 बाहर आ जाएगा, तो बी सी इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 5 आ जाएगा, तो हमारा बी सी हमें पता चलेगा ये कितना रहेगा, हमारा 5 रहेगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हमें काम क्या करना होगा, क्योंकि हमसे पूछा है उसने कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं, आइए देखते हैं इसके लिए भी, है ना। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉट का फार्मूला क्या होता है, इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को और काम कर सकते हो, इसको अगर नोट करना होगा आपको तो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या काम करते हैं, ये जो कॉट थीटा दिया हुआ है इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉट थीटा, इसलिए cot
थीटा। तो कॉट थीटा होता है क्या है आपका, नॉर्मली कॉट थीटा का मान निकालते हैं, तो कॉट थीटा होता है आपका ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, क्योंकि आप जानते हो लाल बट्टे कक्का से इसको निकाला जा सकता है। क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, इसका आप यूज कर ही सकते हैं लाल बट्टे कक्का, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू आप देखेंगे तो आधार हो जाएगा 12, आधार होगा इसका 12 और लंब हो जाएगा इसका 5। आप यहाँ से देख पाएंगे लंब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार आपको किसका निकाल लेते हैं, कॉसिक थीटा का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तथा कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा आप जानते हो, कॉसिक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 और लंब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर लंब हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक हो गया। तब चूँकि हमें निकालना क्या है इसमें, कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा, इसका मान हमने ज्ञात करना था, है ना। तो कॉट थीटा का मान दे रखा है 12/5, आप यहाँ से देख सकते हैं कॉट थीटा का मान है 12/5, क्योंकि थीटा जो है वो हम इसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आधार आपका यही होगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो कॉट थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू होगी 12/5 और कॉसिक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 13/5 आपको, है ना। तो कॉट थीटा की जगह पे आप रख सकते हैं 12/5 प्लस, ये बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा का मान क्या दिया हुआ है 13/5, इसको रख दीजिए, दिस इज 13/5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो 5 ही आएगा आपका और ये हो जाएगा 12 प्लस 13, और आप इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 और 5 5 जा 25, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा 25 से 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अगर कोई आपको इंक्वायरी है या कोई समस्या इसमें होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें दिया हुआ है आपको यदि यदि 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, यदि ये हो तो साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको पूछा गया है, का मान ज्ञात कीजिए, तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए सॉल्यूशन में, हमें दिया क्या है इसमें, जो दे रखा है पहले उसको हम ले लेते हैं यहाँ से, है ना, उठा लेते हैं। 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, अच्छा ऐसा ये दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है देखो, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 8/15, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो आपसे बोल रखा है तो आपको निकालना है इसमें साइन ए का मान, कि साइन ए क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर आपका होता है क्या है, अभी इससे पहले हम बात कर चुके थे इस पर कि ये होता है आधार बट्टे लंब, और वो आप कहाँ से निकालेंगे, फिर से लाल बट्टे कक्का, इसको ध्यान में आपको रखना है, लाल बट्टे कक्का, तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा फिर से, है ना। अब इसके लिए आप क्या बनाइए, फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, है ना। इसको बहुत इजी, सबसे इजी तरीका यही है कि आप समकोण त्रिभुज पे काम कीजिए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसके बेस पे इसको काम कीजिएगा। अब ए दिया हुआ है ए के सापेक्ष, तो आपको पता है ये 90 अंश का एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, इसके जस्ट सामने वाला ए दिखाएंगे, क्योंकि आप इसी के सापेक्ष काम करने वाले हो,
क्योंकि ए दिया हुआ है तो ए उसके सामने आ जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है इसको बी दिखा दीजिए और इसको सी दिखाइए, ठीक है। अब कॉट ए, चूँकि हम जानते हैं आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा आपका दिस इज 8, लंब कितना हो जाएगा इसका 15, कितना हो जाएगा 15, ये बी सी क्या हो जाएगा लंब होगा, ये आप जानते हो कि ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा आधार होगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण होगा, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने करना क्या है, क्योंकि ये 8 है, आधार आपको 8 दे रखा है, लंब 15 दिया हुआ है, तो इन दोनों के हेल्प से हम कर्ण को निकाल सकते हैं, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर से अगेन वही काम करते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप परिचित हैं, उनके अनुसार क्या बताया था उन्होंने कि जो आपकी कर्ण होता है वो कर्ण का स्क्वायर जो रहेगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि कर्ण आपको यहाँ पर दे रखा है AC, तो इसको हम हटाते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं AC से, AC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा लंब आपका दिस इज BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने AC इसमें निकालना है, तो AC तो ऐसे ही रहेगा आपका AC का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब दे रखा है आपको 15 BC, तो BC आपका हो जाएगा 15 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस AB, AB दे रखा है आपको 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा 225 आता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 459 हो जाएगा, और 628 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ AC का स्क्वायर। अब आपको निकालना है चूँकि AC, तो AC के लिए काम कर लीजिए अब यहाँ पर, तो AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका रूट 289, क्या हो जाएगा 289, ठीक हो गया। अब अच्छा 289 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता ही कितने का वर्गमूल होता है 17 का, 17 मल्टीप्लाई 17 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा जोड़ा, तो ये 17 आ जाएगा, है ना। तो जो AC होगा, AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17, तो आपको पता चल गया कि हमारा जो कर्ण होगा वो कितना हो जाएगा 17, ठीक हो गया। अब हमें निकालना क्या था, निकालना हमने साइन ए का मान था, है ना, तो साइन ए का निकाल दीजिए, इसलिए साइन ए, साइन ए बराबर आप जानते हो क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण फार्मूला लगा दीजिए, लंब कितना हो जाएगा 15, 15 आ गया, और कर्ण कितना हो जाएगा इसका 17, ये हो जाएगा 17, है ना। तो साइन ए का मान पूछा था 15/17 आ गया, ये लीजिए ये इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ये 2 या 3 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली लगा पाओगे, ठीक है। इसी को देखते हुए एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनको आप लगाते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है, एग्ज़ाम की डेट शीट मिली गई है आपको, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना आपके स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये 5 दे रखा है आपको, कि यदि यदि कॉट ए इज इक्वल्स टू 7/8 दिया हुआ है आपको, 7/8 दिया हुआ है, तो पूछा है तो मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए,
मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, आपको निकालना है मान 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और आपको दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और अगला दिया हुआ है आपको 1 माइनस कॉस थीटा। आपसे इसका मान पूछा हुआ है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान हमको निकाल के दिखाना हुआ है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं ना। सॉल्यूशन आपको इसमें दिया हुआ है केवल उसने कि कॉट ए है ना, अच्छा हाँ इसको ये ए है ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं इसको भी हम थीटा बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम थीटा मान लेते हैं कि भी थीटा है, क्योंकि ये सब थीटा के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, ठीक है। तो हम थीटा बना लेते हैं, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए फिर इसको देख लेते हैं कैसे करना है। आपको दे रखा है कॉट थीटा, और कॉट थीटा दे रखा है 7/8, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसलिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, थोड़ा हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ताकि सरल हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे आपको दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, अगला दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यानी कि एक सर्वसमिका आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ए चूँकि हम जानते हैं ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस सर्वसमिका को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या बताती है आपको, ए का स्क्वायर एंड माइनस बी का स्क्वायर, इस सर्वसमिका का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिस इज 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा का इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, आपकी सर्वसमिकाएँ हैं, ठीक है, जो आपने पढ़ी हुई हैं। सर्वसमिकाएँ क्या होती हैं, तो आप जानते हो इनके लिए कि अगर कहीं लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। अब आपको निकालना वही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको उस साइड में भेज दीजिए, तो ये बचेगा आपका या ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्या है, जब हमने साइन स्क्वायर थीटा पहुँचाया होता तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। अच्छा अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को पहुँचा देते हैं या करके, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचाइए, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला पद उस साइड में भेज दिया हमने, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा उधर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हटा के हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कहीं लिखा हुआ अगर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके आप लिख सकते हैं दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप जानते हो एक सर्वसमिका और होती है, वो कौन सी है,
अगर वो आपको पता होगा तो, कि अगर कहीं लिखा है कॉट थीटा तो वो क्या होता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यही होता है साइन थीटा। अब चूंकि अगर हम इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो उसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉट स्क्वायर थीटा, अब आपको दिया क्या था, अगर देखो ध्यान से, तो कॉट थीटा का मान ही आपको दे रखा है 7/8 दिया हुआ है। तो हमने सॉल्व करके अब करना क्या है, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा हुआ है सही में देखा जाए तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा को अब ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते तो कॉट थीटा का इट्स स्क्वायर, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी देखिए 7/8, इसको यहाँ पर रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ नीचे रख देते हैं तो 7/8 का इट्स स्क्वायर, और 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये 7/8 हो जाएगा और 7/8 को यहाँ पुटअप करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2 या 3 मार्क्स में आपको देखने में मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू।